Abhishek Khosalkar, an Uddhav Sena leader, has been shot dead in Mumbai. Khosalkar, an ex-corporator, was shot dead by a man named Morris, who later died by suicide. The shooting was caught on camera as both were doing a Facebook Live. As per the police, Khosalkar had gone to Morris's office over some issue following which the incident took place. Uddhav Sena has demanded Maharashtra Deputy Chief Minister and State Home Minister Devendra Fadnavis's resignation over the issue. Remember, this comes close on the heels of another incident which took place next to Mumbai in Thane last week, where a BJP MLA was arrested for shooting at a Shinde Sena member inside a police station. ट्रांसलेट कर लेना है सर, क्या कहोगे आज दहिसर में जिस तरीके से घटना घड़ी हुई है? माजी नगर सेवक को गोली मारा गया है आरोपी की तरफ से, दोनों की मृत्यु हुई है, ऐसा पता चला? यहाँ पर एक गोलीबार की घटना हुई है और उसी का हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, डिटेल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और हॉस्पिटल में दोनों गए हैं। आगे क्या है मेडिकल ओपिनियन, वो जो हॉस्पिटल में है वहाँ से पता चलेगा, वो डॉक्टर की ओपिनियन आएगी फिर क्या हुआ है। आताच मला ती बातमी कळली की आमचे अभिषेक घोसाळकर यांच्यावर गोळीबार झालेला आहे आणि हेच आहे मुद्दा की किती दिवस हे सहन करत बसायचं, ह्याच्यात महाराष्ट्र तर बदनाम होतच आहे। लोकांना आपण बघताय की भीती आहे, ती दिसत आहे, पण महत्त्वाची गोष्ट हीच आहे की उद्योग जग देखील महाराष्ट्रात येणार नाही अशी परिस्थिती एकंदर बनत चाललेली आहे। And Sunil Singh is present at the spot. Sunil, अगर आप हमें बता पाए कि अभी आप incident spot पे है और जो अभी तक की खबर है कि वहाँ पे अभिषेक घोसाळकर एक्चुअली जो मॉरिस हैं, जो शूटर हैं, उनसे मिलने के लिए गए थे, किस टॉपिक में वो मिलने गए थे, क्या बातचीत थी उन दोनों के बीच में जिसके बाद उन्होंने एक फेसबुक लाइव शुरू किया ड्यूरिंग विच दिस इंसिडेंट टुक प्लेस? तनिमा, देखिए अभिषेक घोसाळकर, ये जो इलाका है बोरीवली का, LIC कॉलोनी, इसी के वो पूर्व नगर सेवक थे और यहाँ पर यहाँ बगल में ही आप देखेंगे तो इसके बस कुछ कदम दूर ही उनकी उनका दफ्तर है और वहीं से थोड़ी दूर पर ही सड़क के इस पार मॉरिस का दफ्तर है, ये सामने दिखाई पड़ रहा है। और मॉरिस को कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले गिरफ्तार किया गया था बलात्कार के केस में। तो मॉरिस को यह है कि विनोद घोसाळकर उसके पीछे, माफ़ कीजिए, अभिषेक घोसाळकर उसके पीछे थे, लिहाजा दोनों में अनबन थी और कटुता आ गई थी। लेकिन अब बताया जा रहा है कि कुछ एक महीने पहले ही नए साल में दोनों में पैचअप हुआ और दोनों फिर आपस में बातचीत करने लगे और आज जो है ये जानकारी मिली कि मॉरिस ने यहाँ पर इस जो दफ्तर है अपने दफ्तर में अभिषेक घोसाळकर को बुलाया और दोनों ने कहा कि एक नई शुरुआत करते हैं नए साल की और लोगों की मिलकर सेवा करेंगे दोनों। जैसा कि फेसबुक लाइव में भी आपने देखा और सुना होगा कि बता रहे हैं कि नई शुरुआत करेंगे हम और लोगों की सेवा करेंगे, इस तरह की बातें उसमें हो रही है। लेकिन उस फेसबुक लाइव के दौरान ही जैसे 4 मिनट खत्म होता है और उस, हालांकि फेसबुक लाइव दौरान आप ये भी देख रहे हैं कि मॉरिस 2 से 3 बार बीच बीच में उठकर गया हुआ है और यहाँ पर जैसे खत्म हुआ और वो अभिषेक घोसाळकर जैसे ही खड़ा हुए वैसे ही उनको गोली मार दी जा रही है उसमें। और गोली मारने के बाद जो है कि मॉरिस ने खुद को भी गोली मार ली। तो ये देखिए, ये दफ्तर है, आपको दिखाई पड़ रहे हैं शीशे यहाँ पर बिखरे पड़े हैं और फेसबुक लाइव जो है नीचे चल रहा था, अभिषेक घोसाळकर को यहाँ नीचे गोली मारी गई। बाद में अंदर ही मेजनाइन फ्लोर है, जो जानकारी मिल रही है कि गोली मारने के बाद अभिषेक घोसाळकर को मॉरिस मेजनाइन फ्लोर पर चला गया और 5 से 7 मिनट बाद फिर उसने खुद को भी गोली मार ली और यहीं पर उसकी मौत हो गई मौके पे। दोनों को अस्पताल में ले जाया गया था लेकिन दोनों की मौत हो गई है। ये तो एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, क्योंकि ये जो मॉरिस है खुद को जो समाज सेवक बता रहा था वो दरअसल कोविड काल में भी हमने देखा कि बहुत लोगों की, गरीबों की मदद करना, भोजन और उनकी पूरी व्यवस्था कराने का काम कर रहा था। तो कहीं ना कहीं उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी और यहाँ से वो चुनाव लड़ना चाह रहा था। लेकिन चूँकि अभिषेक घोसाळकर यहाँ के पूर्व नगर सेवक थे, यहाँ पर उनकी पत्नी भी यहाँ की नगर सेवक है, तो एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता थी जिसके चलते दोनों में इस तरह से कटुता आई, शत्रुता आई और जिसका परिणाम हम देख रहे हैं कि इस तरह उसका अंत इस तरह से हुआ कि अभिषेक घोसाळकर की मौत यहाँ पे हो गई। दरअसल ये आज जो भी हुआ वो ये जिस तरह से हुआ है उससे ये पता चल रहा है
कि मॉरिस ने पहले से ही प्लान शायद इस तरह का कर लिया था कि वो अभिषेक घोसालकर को क्यों कहीं ना कहीं खत्म करना है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी जो एक तरह से जिस तरह से वो जेल में गया था या जो भी उसकी बदनामी हुई है उसके पीछे अभिषेक घोसालकर का हाथ है, और लिहाजा उसने प्लान बना लिया था और महीने भर पहले ही उसने पैचअप किया। और आज भी उसी बात को लेकर यहाँ पर बुलाया गया था, और बुलाने के बाद दोनों ने मिलकर फेसबुक लाइव किया जैसा कि हमने देखा, और उस फेसबुक लाइव के दौरान ही जैसे ही 4 मिनट बाद अभिषेक घोसालकर जो है कि खड़े हुए, वैसे उसने खुद को गोली मारा, उसने अभिषेक घोसालकर को गोली मारी और खुद जाके मेजनेल फ्लोर पे जाके 5 से 7 मिनट बाद खुद को भी गोली मार ली। तो दोनों की फिलहाल मौत हो गई है। मामले में तो यहाँ इलाके में थोड़ा सा तनाव फैला हुआ है और कानून व्यवस्था की स्थिति पर एक सवाल हो गया। लेकिन एक सवाल ये भी है कि मॉरिस जो कि एक तरह से उसके खिलाफ अपराध दर्ज था, तो उसके पास बंदूक कहाँ से आई, बंदूक लाइसेंसी थी या नहीं थी, इसकी भी एक तरह से जांच की जा रही है। हालांकि पुलिस अभी कुछ उस मामले में बोल नहीं पा रही है, वो कह रही है कि हम मामले की तहकीकात करें। लेकिन इतना जरूर है कि अभिषेक घोसालकर शिवसेना UBT उद्धव ठाकरे गुट के जो बड़े नेता हैं, विनोद घोसालकर के बेटे हैं, तो मामले में यहाँ पर थोड़ा सा तनाव है और कानून व्यवस्था की स्थिति पर एक सवाल तो उठना शुरू हो गया है। खास करके पूरे महाराष्ट्र में हम देखें तो अभी उल्लासनगर में पिछले सप्ताह देखा हमने कि बीजेपी के एक विधायक ने पुलिस थाने के अंदर ही अपने प्रतिनिधि को गोली मार दी, और आज हम देख रहे हैं कि मुंबई में इस तरह से दफ्तर में बुलाकर गोली मारी गई है शिवसेना UBT के नेता को।